कि खुदारा ये जो पाइपलाइन टूटे हुए हैं इसको बनाया जाए, ताकि इस वक्त मौजूद हूँ मोकपा पीएचई की जो वाटर सप्लाई स्कीम है, तालाब है यहाँ पे मौजूद हैं, और यहाँ पे जुडिशल मजिस्ट्रेट कम्प्लेक्स के नज़दीक ये जो शब्बीर रोड बाईपास है, यहाँ पे आप देख रहे हैं मोकपा पीएचई की नाली की वजह से कितनी पानी जा रहा है। और यहाँ पे स्टेडियम यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम है, ये देखें जब बाबा बिजली आती है पानी चलता है तो पानी यहाँ पे ज़ाया हो रहा है। मेरे दिखाने का मकसद है कि इतनी बड़ी तादाद में पानी ज़ाया हो रहा है, क्यों ज़ाया हो रहा है। हर जगह पे जाओ टूट फूट का शिकार, हर जगह पे जाओ यहाँ पे इनके पाइपलाइन टूटे हुए हैं। क्या ये इनके लिए महीने वाल हर महीने पे इनके लिए पैसे नहीं आता है, ये मेंटेनेंस के लिए पैसे नहीं आता है, इनकी मरम्मत के लिए पैसा नहीं आता है। अभी कितना पानी ज़ाया हो रहा है, पूरा ये ऐसे मुझे पानी भर गया है। तो मैं ख़ास करके मोकपा पीएचई के एक्सीएन से गुजारिश करूँगा, खुदारा ये पानी इतनी ज़ाया हो रही है, क्यों ज़ाया हो रही है। लोग इस रमज़ान मुबारक में गुसल के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए भी नहीं है। ऐसे से मेले खास करके चांडे मेले में जाएं, आप हॉस्पिटल रोड पे जाएं, आपको फरदोस कॉलोनी में जाएं, वहाँ पे पानी पीने के लिए लोगों के लिए नहीं, बहुत बहुत तरस रहे हैं। लेकर खुदा रहा ये यहाँ पे पाइपलाइन टूटे हुए हैं, यहाँ हर जगह पे टूटे हुए, तो ये क्यों इस तरह किया जा रहा है। और हाँ, पानी ना होने की वजह से, गुसल के लिए पानी ना होने की वजह से, पीने के लिए ना होने की, लोग रोजे भी नहीं रख सकते, करें कि हम कहाँ से करें, ये कितनी पानी जाया हो रहा है। अगर ये बटे घंटे हाल दो ये सब घणो पानी जाए तो बस अद को ज्यादा विंदो अद की ज्यादा पिंदो बिल्कुल इतने शला पानी ज्यादा हो जी। हां बिल्कुल बिल्कुल हां हाँ। तो ये देखिए कितनी पानी ज़ाया हो रहा है। हमारे दिखाने का मकसद ये है कि मोकमा पीएचई की गफलत की वजह से पानी ज़ाया हो रहा है, पानी यहाँ पे ऐसे ज़ाया हो रहा है। तो हमारे दिखाने का मकसद है, मैं खास करके आला हुकाम से गुजारिश करूँगा कि खुदारा इसको, ये जो पाइपलाइन टूटे हुए हैं इसको बनाया जाए, ताकि पानी अवाम नास तक पहुँचे, शहरों तक पहुँचे। तो हमारे दिखाने का मकसद एक मरतबा फिर मैं गुजारिश करूंगा आला हुकाम से, और ख़ास करके एसडीओ पीएचई से, एक्सीएन पीएचई से, कि खुदारा ये जो पाइपलाइन टूटे हुए हैं इसको बनाया जाए, ताकि लोगों तक पानी पहुंच सके। तो अपना मेज़बान दिलमुराद उमरानी को इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया।